नादिया मलिक मिसिंग केस, अमेरिका में गायब हुई एक लड़की की दिल दहला देने वाली कहानी। आज हम आपको एक ऐसी दिल दहला देने वाली सच्ची कहानी की पूरी दास्तां बताने जा रहे हैं, जहां एक 22 साल की मासूम लड़की का मर्डर होता है। मगर इस केस में ना तो कोई मर्डरर है, ना कोई सबूत है, ना कोई मोटिव है और ना ही कोई गवाह है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक कत्ल भी हो और उसका कोई कातिल ही ना हो। मगर इस केस में कुछ ऐसा ही है। इस एक केस ने एक अमरीकी शहर को हिलाकर रख दिया था। पूरी कहानी आप भी जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। दुनिया इस केस को नादिया मलिक मिसिंग केस के नाम से जानती है। तो क्या है नादिया मलिक मिसिंग केस की पूरी कहानी, चलिए जानते हैं सब कुछ डिटेल से इस वीडियो में। मगर कहानी शुरू करने से पहले, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी भारतीय मूल की लड़की नादिया मलिक की है। नादिया अपने परिवार वालों के साथ अमेरिका के पेंसिल्वेनिया स्टेट के फिलाडेल्फिया नाम की जगह पर रहती थी। नादिया बचपन से ही पढ़ाई में काफी तेज थी। पढ़ाई के दौरान ही, जब नादिया की उम्र यही कोई 15-16 साल थी, तभी उसकी मुलाकात भारतीय मूल के ही भूपेंद्र गगन सिंह नाम के लड़के से होती है। भूपेंद्र भी उन दिनों फिलाडेल्फिया में ही रहा करता था। भूपेंद्र से मुलाकात के बाद ही नादिया की जिंदगी नई करवट लेनी शुरू कर देती है। पहले वो ज्यादातर पढ़ाई में ध्यान लगाती थी और अपने आप में ही रहना ज्यादा पसंद करती थी। मगर भूपेंद्र से मिलने के बाद वो भूपेंद्र के लिए पागल सी होने लगती है। अब वो दिन रात भूपेंद्र से ही बात करती रहती थी। अगर वो किसी और से बात भी करती थी, तब भी वो अक्सर भूपेंद्र का ही जिक्र किया करती थी। इतना ही नहीं, जब भी मौका मिलता था, परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ भी जाते हुए ये भूपेंद्र से मिला करती थी। इन सब के चक्कर में नादिया की पढ़ाई काफी पीछे छूटने लगी थी। नादिया की जिंदगी में अचानक से आए इस बदलाव से नादिया के घर वाले काफी परेशान होते हैं और वो नादिया को समझाने की काफी कोशिश करते हैं। मगर नादिया को भूपेंद्र के अलावा ना कुछ दिखाई देता था और ना ही भूपेंद्र की बातों के अलावा उसे किसी और की बातें सुनाई देती थीं। भूपेंद्र के प्यार में नादिया मलिक इतनी ज्यादा खो जाती हैं कि जब परिवार वाले उसे कुछ ज्यादा समझाने लगते हैं, तो नादिया परिवार वालों से ही अपने सारे रिश्ते खत्म करके भूपेंद्र के पास ही रहने लगती हैं। नादिया और भूपेंद्र शादी भी नहीं करते हैं और साथ रहने लगते हैं। इसी दौरान नादिया एक बेटे को भी जन्म देती हैं। नादिया अब अपने परिवार वालों को लगभग भुलाकर अपने ही बॉयफ्रेंड भूपेंद्र तथा बेटे के साथ अपनी जिंदगी बिताने लगी थी। नादिया का पढ़ाई से भी लगभग रिश्ता खत्म हो गया था। बीतते समय के साथ नादिया का परिवार भी बढ़ता है और साल 2012 तक नादिया 3 बच्चों की मां बन जाती हैं। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था कि 2012 में 28 फरवरी को नादिया के साथ एक बड़ी ही दुखद घटना घटती है। नादिया और भूपेंद्र एक दिन अपनी 3 महीने की बेटी अलीना सिंह के साथ अपनी कार से कहीं घूमने जाते हैं। अभी ये लोग मार्केट में ही थे, तभी अचानक से नादिया की बेटी को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। बच्चे की इस हालत को देखते हुए नादिया और भूपेंद्र उसे संभालने की कोशिश करते हैं, मगर उस बच्चे की स्थिति में कोई सुधार नहीं आता है। नादिया अपनी बेटी की हालत को देखकर बहुत ज्यादा परेशान होने लगती हैं, मगर यहीं पर भूपेंद्र एक ऐसा कदम उठाता है जिसकी उम्मीद नादिया ने कभी नहीं की थी। दरअसल मरती हुई बेटी को उसी हालत में छोड़कर भूपेंद्र वहां से ये कहते हुए भाग जाता है कि इसे तुम ही संभालो और तुम ही पुलिस को मदद के लिए फोन करो, मैं कुछ नहीं जानता। नादिया अभी कुछ कर पाती उससे पहले ही वो मासूम सी बच्ची बिल्कुल शांत पड़ जाती है। नादिया के बुलाने पर थोड़ी देर में पुलिस और मेडिकल टीम भी मदद के लिए आ जाती है, मगर तब तक नादिया की बेटी इस दुनिया से जा चुकी होती है। बच्ची की मौत की वजह को समझने के लिए पुलिस पोस्टमार्टम भी करवाती है, मगर हैरानी की बात यह होती है कि पोस्टमार्टम के बाद काफी गहराई से जांच करने के बावजूद ये पता नहीं चल पाता है कि आखिर इस बच्ची की मौत की वजह क्या थी। हालांकि कुछ जांच में ये संकेत मिलते हैं कि बच्ची मस्कुलर डिसऑर्डर जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित थी, मगर इस स्थिति में भी अचानक से उसकी मौत स्वाभाविक नहीं लग रही थी। वैसे भी जब बच्ची का दम घुटने लगा था तो वहां से उसके पिता भूपेंद्र भाग निकला था, इसलिए पुलिस को शक होता है कि शायद भूपेंद्र ने ही तो इस बच्ची के साथ कुछ गलत नहीं किया है। इसलिए पुलिस मर्डर के एंगल से भी जांच करती है
मगर पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलता है। इस तरह उस बच्चे की मौत का कारण एक रहस्य बनकर ही रह जाता है। इस घटना के बाद एक बार फिर से नादिया के परिवार वाले नादिया से संपर्क करते हैं और उसे समझाते हैं कि भूपेंद्र अच्छा लड़का नहीं है, तुम उसे छोड़कर वापस हम लोगों के पास आ जाओ। मगर नादिया कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होती हैं और वो भूपेंद्र के साथ ही रहती हैं। नादिया भले ही अपने परिवार वालों के साथ नहीं जाती हैं, मगर बेटी की मौत के बाद भूपेंद्र के साथ उसके रिश्ते पहले जैसे नहीं रह जाते हैं। अब इन दोनों में अक्सर लड़ाई होती थी, छोटी छोटी बात पर दोनों काफी लड़ते थे। नादिया की बहन मोना मलिक के मुताबिक अब भूपेंद्र अक्सर नादिया पर हाथ भी उठा दिया करता था। गाली गलौज और छोटी छोटी बात पर लड़ाइयां तो बेहद आम हो गई थीं। कुछ समय तक तो नादिया ये सब कुछ झेलती हैं, मगर अब चीजें उसके भी बर्दाश्त के बाहर होने लगती है और अब वो भूपेंद्र को छोड़ने का मन बनाने लगती हैं। इसीलिए वो अब अपनी खुशी किसी और में ढूंढना शुरू कर देती हैं और इसी सिलसिले में उसकी मुलाकात थॉमस सिंह नाम के एक व्यक्ति से होती है। थॉमस सिंह यूएस आर्मी में कुछ साल तक अपनी सेवाएं देने के बाद वापस आया था और फिलहाल इंजीनियरिंग कर रहा था। धीरे धीरे नादिया थॉमस सिंह के करीब आने लगती हैं। थॉमस भी नादिया को पसंद करना शुरू कर देता है और वो नादिया से कहता है कि जितनी जल्दी हो तुम भूपेंद्र का साथ छोड़कर वापस आ जाओ। नादिया भी भूपेंद्र को जल्द से जल्द छोड़ना चाहती थी, मगर भूपेंद्र नादिया को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। इसी खींचतान के बीच कुछ और महीने बीत जाते हैं। अब साल आ चुका था 2014। प्यार से शुरू हुआ नादिया और भूपेंद्र का रिश्ता काफी जहरीला हो चुका था। नए साल में नादिया अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने की कोशिश करती हैं और इसी कोशिश के तहत वो एक बार फिर से अपनी पढ़ाई शुरू करती हैं। नादिया डॉक्टर बनने का ख्वाब पालते हुए मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करने लगती हैं। 2014 के जनवरी महीने में ही नादिया का प्री मेडिकल एग्जाम का फॉर्म एक्सेप्ट भी हो जाता है। इसी बीच फरवरी 2014 में भूपेंद्र सिंह को कहीं से थॉमस सिंह के बारे में पता चल जाता है। इसी के बाद नादिया और भूपेंद्र में काफी झगड़ा होता है। इसी झगड़े के दौरान भूपेंद्र सिंह नादिया की बुरी तरीके से पिटाई भी करता है। इस मारपीट से नादिया इतनी ज्यादा टूट जाती है कि फाइनली वो भूपेंद्र को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ने का प्लान बना लेती है, मगर भूपेंद्र किसी भी कीमत पर नादिया को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। भूपेंद्र नादिया के नए बॉयफ्रेंड थॉमस को भी मैसेज करते हुए कहता है कि अगर तुम नादिया की जिंदगी से बाहर नहीं होते हो तो तुम कभी भी नादिया को नहीं देख पाओगे, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जब नादिया बिल्कुल बेबस हो जाती है और भूपेंद्र की कैद से नहीं निकल पाती है तो वो अपने भाई खालिद मलिक को फोन करती है और उससे मदद की गुहार लगाती है। बहन की हालत को देखते हुए खालिद 9 फरवरी 2014 को भूपेंद्र सिंह को फोन करता है और उससे नादिया को छोड़ने के लिए कहता है। इस बात पर फोन पर ही खालिद और भूपेंद्र की काफी बहस हो जाती है। इसी बीच फोन पर ही बैकग्राउंड में नादिया की आवाज सुनाई देती है जो रोते हुए कह रही थी कि ये मुझे घर के बाहर भी नहीं जाने दे रहा है, इसने मुझे कैद कर लिया है, मुझे बचाओ। नादिया की आवाज सुनकर खालिद कुछ कह पाता उससे पहले ही फोन कट जाता है। फोन कटने के बाद खालिद कई बार भूपेंद्र के नंबर पर फोन करता है मगर बात नहीं हो पाती है, नादिया से भी संपर्क नहीं हो पाता है। इसी के बाद कुछ अनहोनी की आशंकाओं के साथ तुरंत खालिद पुलिस को फोन करते हुए घटना की जानकारी देता है। खालिद के फोन के तुरंत बाद पुलिस की एक टीम भूपेंद्र के घर पर जाती है, मगर वहां ना तो भूपेंद्र मिलता है और ना ही नादिया। पुलिस आसपास के उन सभी संभावित जगहों पर छापेमारी करती है जहां भूपेंद्र जा सकता था, मगर कहीं से भी भूपेंद्र का कोई अता पता नहीं चलता है। 9 फरवरी 2014 की तारीख यूं ही बीत जाती है, नादिया और भूपेंद्र का कोई अता पता नहीं लगता है। इसी के बाद 10 फरवरी 2014 को नादिया के परिवार वाले आधिकारिक तौर पर पुलिस में जाकर भूपेंद्र सिंह गगन के खिलाफ लिखित में शिकायत दर्ज करवाते हैं। भूपेंद्र के पास एक ब्लैक कलर की निसान कार थी। जांच के दौरान पता चलता है कि नादिया भूपेंद्र के साथ साथ वो ब्लैक कलर की निसान कार भी गायब है। इसी आधार पर पुलिस वाले अनुमान लगाते हैं कि शायद भूपेंद्र और नादिया इसी कार से कहीं निकल गए हैं, इसलिए पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर दिया जाता है कि किसी को भी अगर ब्लैक कलर की निसान कार दिखाई देती है तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करें। नादिया के परिवार वाले भी अपने स्तर से कार की तलाश में लग जाते हैं।
अभी ये लोग नादिया की तलाश में लगे ही हुए थे कि तभी नादिया के मोबाइल से एक के बाद एक कई टेक्स्ट मैसेज खालिद के मोबाइल पर आते हैं। ये मैसेज भूपेंद्र भेज रहा था। एक मैसेज में भूपेंद्र खालिद से कहता है कि तुम हार गए, मैं जीत गया, वो कभी अब घर वापस नहीं आएगी, तुम उसका चेहरा कभी नहीं देख पाओगे। खालिद को चैलेंज करते हुए भूपेंद्र एक मैसेज में यह भी कहता है कि तुम पूरे अमेरिका में नादिया को खोज लो, मगर वो कहीं नहीं मिलेगी। खालिद इन मैसेजेस के बारे में पुलिस को भी जानकारी देता है और पुलिस भी अपनी जांच का दायरा बढ़ाती है, मगर कुछ फायदा नहीं होता है। पुलिस के हाथ अब भी खाली ही रहते हैं। इसी बीच 11 फरवरी 2014 को एक बार फिर से खालिद को नादिया के मोबाइल से कुछ मैसेजेस मिलते हैं। इस बार मैसेज में लिखा हुआ था कि अगर तुम नादिया से बात करना चाहते हो तो मुझे तुरंत मोबाइल के माध्यम से $20 भेजो। इसके तुरंत बाद कई और मैसेज मिलते हैं जिसमें रकम बढ़ाकर पहले 50, फिर 100 और फिर $200 कर दी जाती है। ऐसे ही मैसेजेस थॉमस को भी मिलते हैं। उसमें भी यही लिखा हुआ था कि अगर तुम नादिया से बात करना चाहते हो तो तुम मुझे अभी इतने पैसे भेजो। इन मैसेजेस के साथ भूपेंद्र ये भी लिखता है कि अगर तुमने पैसे नहीं भेजे तो तुम कभी दोबारा नादिया की आवाज नहीं सुन पाओगे। इस मैसेज के जवाब में खालिद कहता है कि तुम मुझे कोई सबूत दो जिससे पता चले कि नादिया तुम्हारे साथ है, तो मैं तुम्हें अभी पैसे भेज दूंगा। तुम मुझे कम से कम बस एक बार उसकी हेलो सुना दो, तो भी मैं पैसे दे दूंगा, फिर उसके बाद मैं उससे बात करूंगा। खालिद के ये कहने पर भूपेंद्र अंतिम मैसेज ये करता है कि आज के बाद तुम कभी नादिया की आवाज नहीं सुन सकोगे। इधर भूपेंद्र लगातार मैसेज के जरिए ब्लैकमेल करके पैसा हासिल करने की कोशिश में लगा हुआ था। उधर पुलिस की भी कई टीम भूपेंद्र की तलाश में लगी हुई थी, मगर कहीं से भी इन लोगों का कोई अता पता नहीं चल रहा था। पुलिस नादिया के मोबाइल फोन के जरिए भी इन लोगों को ट्रेस करने की कोशिश कर रही थी, मगर कामयाबी नहीं मिल रही थी। पुलिस के मोबाइल ट्रैकिंग के मुताबिक पहले इनकी लोकेशन फिलाडेल्फिया थी, फिर ये लोग वॉशिंगटन की तरफ जाते हैं और वॉशिंगटन से ये लोग न्यूयॉर्क सिटी की तरफ जाते हैं। मगर जब ये लोग ओहायो शहर पहुंचते हैं तो यहां आकर इनके मोबाइल में मूवमेंट बंद हो जाती है। इस बार पुलिस की एक टीम ओहायो तक आती है। पुलिस पीछा करते हुए उस घर तक भी पहुंच जाती है जहां भूपेंद्र आकर रुकता है। जैसे ही भूपेंद्र को इस बात की भनक लगती है कि पुलिस इसके पीछे है, वो पीछे के दरवाजे से भागने की कोशिश करता है, मगर कुछ देर की लुका छुपी के खेल के बाद पुलिस आखिरकार भूपेंद्र को गिरफ्तार कर लेती है। भूपेंद्र सिंह से कार और नादिया के बारे में पूछा जाता है। इस पर वो कुछ भी बताने से इनकार करता है और कहता है कि मैं अपने वकील के आने के बाद ही कुछ बात करूंगा। इसके बाद पुलिस भूपेंद्र के पॉकेट की तलाशी लेती है तो उसके पॉकेट से नादिया का मोबाइल, नादिया का ड्राइविंग लाइसेंस और कार की एक चाबी मिलती है। जांच के बाद खुलासा होता है कि ये उसी निसान कार की चाबी है जिससे कथित तौर पर भूपेंद्र और नादिया निकले थे। पुलिस वालों की पूछताछ में भूपेंद्र बताता है कि मैंने कार के साथ नादिया को फिलाडेल्फिया में ही छोड़ दिया था, मगर भूपेंद्र की बात इसलिए झूठ लग रही थी क्योंकि नादिया के परिवार वालों के मुताबिक उस कार की तो बस एक ही चाबी थी और वो चाबी भी भूपेंद्र की जेब से मिली थी। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि नादिया बिना चाबी के ही कार चला रही हो? भूपेंद्र के चेहरे पर चोट के भी निशान थे। इस बारे में पूछे जाने पर भूपेंद्र बताता है कि जब नादिया से उसकी मुलाकात आखिरी बार हुई थी तो यहीं पर दोनों की लड़ाई हो गई। नादिया ने भी उस पर हमला किया जिस कारण उसके चेहरे पर ये खरोच और चोट के निशान हैं। अब पुलिस की कई टीम नादिया को खोजने में लग जाती है। पुलिस की बड़ी चहल पहल के बीच इस केस की चर्चा फिलाडेल्फिया में भी जोरों शोर से होने लगती है। हर किसी की जुबान पर बस एक ही सवाल था कि नादिया और वो निसान कार कहाँ है। नादिया फिलाडेल्फिया की सबसे बड़ी रहस्य बन चुकी थी। पुलिस की जांच जारी रहती है मगर हाथ खाली ही रहता है। नादिया की मिसिंग रिपोर्ट 10 फरवरी 2014 को लिखाई गई थी और अब तारीख आ चुकी थी 20 फरवरी 2014। 20 फरवरी 2014 को फिलाडेल्फिया के मार्पल टाउनशिप पुलिस डिपार्टमेंट में एक अनजान व्यक्ति कॉल करता है और कहता है कि एक ब्लैक कलर की निसान अल्टिमा कार फिलाडेल्फिया के मार्केट स्ट्रीट के पास 30th स्ट्रीट पर खड़ी है। इसी कार में शायद नादिया हो सकती है। आखिर ये कॉल किसने की थी, उसके बारे में हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। फिलहाल बताते हैं कि इस एक कॉल के बाद क्या होता है।
पुलिस की एक टीम भागते हुए उस जगह पर जाती है तो वहां सच में एक ब्लैक कलर की निसान अल्टिमा कार खड़ी थी। कार पूरी तरीके से बर्फ से ढकी हुई थी। हैरानी की बात तो ये थी कि उस कार पर 8 पार्किंग टिकट्स लगे हुए थे, मतलब इस जगह पर कार को खड़ी करने से पहले कई दूसरी जगह इलीगल तरीके से इसे पार्क किया गया था। इस कारण पुलिस ने उस पर पार्किंग टिकट्स भी लगाए थे, मगर पहले किसी को उस कार के अंदर लाश दिखाई नहीं दी। आनन फानन में उस कार को खोला जाता है। कार के अंदर पुराने कपड़ों के ढेर थे, इसके अलावा काफी सामान बिखरा पड़ा था। पहले तो पुलिस को कुछ भी नजर नहीं आता है, मगर जब उन कपड़ों के ढेर को हटाया जाता है तो उन कपड़ों के ढेर के नीचे नादिया की लाश पड़ी हुई मिलती है, जिस नादिया की तलाश पिछले 10 दिनों से हो रही थी वो अब पुलिस को कार के अंदर कपड़ों के ढेर के नीचे मरी हुई मिलती है। मृत्यु के समय नादिया की उम्र सिर्फ 22 साल थी। लाश मिलते ही पुलिस उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। नादिया का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर की टीम की ओर से 21 फरवरी 2014 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि नादिया के शरीर पर किसी भी तरह के फिजिकल ट्रॉमा के निशान नहीं मिले हैं। पोस्टमार्टम के दौरान भी मौत की वजह और मृत्यु के तरीकों से संबंधित कुछ भी पता नहीं चल पाया है। मृत्यु के कारणों तथा तरीकों को समझने के लिए सैंपल्स फॉरेंसिक लैब भी भेज दिए जाते हैं। क्योंकि शुरुआती रिपोर्ट में कुछ भी पता नहीं चल पाया था, इसलिए भूपेंद्र को गिरफ्तार नहीं किया जाता है। फिर भी पुलिस उसे शहर में ही रहने को कहती है और उस पर नजर रखी जाने लगती है। मगर अप्रैल 2014 में भूपेंद्र पुलिस के नियमों को तोड़ते हुए कहीं चला जाता है। इसी के बाद उसे गिरफ्तार करते हुए जेल में डाल दिया जाता है। हालांकि कुछ ही महीने बाद भूपेंद्र को कोर्ट से बेल भी मिल जाती है और वो फिर से आजाद हो जाता है। उम्मीद की जा रही थी कि महीने दो महीने में फॉरेंसिक लैब से नतीजा आ जाएगा, मगर वहां से 8 महीने बाद जाकर अक्टूबर महीने में रिपोर्ट आती है। उम्मीद की जा रही थी कि इस रिपोर्ट में कुछ ऐसा होगा जिसके आधार पर नादिया के बॉयफ्रेंड भूपेंद्र सिंह पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जा सकेगा, मगर हर कोई उस वक्त शॉक्ड रह जाता है जब फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी यही कहा जाता है कि काफी मेहनत और कई दौर की जांच के बावजूद डॉक्टर की टीम मौत के कारणों का पता नहीं लगा पाई है। इतना ही नहीं, मौत किस तरीके से हुई उस बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। इस रिपोर्ट के बाद पुलिस कई नामी जासूस को इस केस की जांच में शामिल करती है। कई महीनों तक जांच चलती रहती है, मगर पुलिस के हाथ कोई जानकारी नहीं लगती है। हालांकि डिटेक्टिव अपनी पूरी जांच के बाद सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर भूपेंद्र सिंह पर ही नादिया को जहर देकर हत्या का शक जताते हैं, मगर उनके पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए पुलिस भूपेंद्र पर कोई मामला दर्ज नहीं कर पाती है। काफी कोशिशों के बाद भी जब पुलिस को भूपेंद्र के खिलाफ एक भी सबूत या गवाह नहीं मिलता है तो फाइनली पुलिस कोर्ट में नादिया की हत्या को रहस्यमयी मौत बताते हुए क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर देती है। अंततः कुछ महीने बाद ही ये केस बंद भी हो जाता है और भूपेंद्र आजाद अपनी जिंदगी जी रहा होता है। 22 साल की नादिया अपने 2 छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर मर गई, मगर उसे किसी ने नहीं मारा। पुलिस द्वारा केस बंद किए जाने के बाद नादिया के परिवार वाले अपने स्तर से इस केस की जांच करवाने के लिए कुछ प्राइवेट डिटेक्टिव को भी हायर करते हैं। प्राइवेट डिटेक्टिव अपनी जांच में कुछ सबूत इकट्ठा करते हैं। उसके आधार पर नादिया के परिवार वाले फिर से पुलिस द्वारा इस केस को खोलने की अपील करते हैं, मगर प्राइवेट डिटेक्टिव द्वारा कलेक्ट किए गए एविडेंस की जांच के बाद पुलिस ये कहते हुए इस केस की दोबारा जांच करने से इनकार कर देती है कि उन सबूतों में कोई दम नहीं है। 2015 में नादिया का भाई खालिद मलिक नादिया की मौत से संबंधित जानकारी देने वाले व्यक्ति को पहले 50,000 फिर $1,00,000 का इनाम देने का ऐलान करता है। महीनों बीत जाते हैं, मगर एक भी काम की जानकारी कहीं से नहीं मिल पाती है। वैसे प्राइवेट डिटेक्टिव ने जो सबूत इकट्ठा किए थे उसके आधार पर नादिया के परिवार वालों ने दावा किया कि नादिया को दाहिने हाथ में जहरीला इंजेक्शन भी लगाया गया था, इसी वजह से उसकी मौत हुई, और ये इंजेक्शन किसी और ने नहीं बल्कि भूपेंद्र ने लगाया था। नादिया के परिवार वालों के मुताबिक भूपेंद्र ने पहले नादिया के हाथ में जहरीला इंजेक्शन दे दिया और फिर कार को बंद करके सभी सबूत मिटाने के बाद नादिया को अंदर ही छोड़कर भाग गया। कुछ लोग कहते हैं कि शायद नादिया ने खुद ही आत्महत्या की हो, मगर इस बात में भी कोई दम नजर नहीं आता है, क्योंकि आत्महत्या की पुष्टि करने वाले एक भी सबूत नहीं मिलते हैं। भले ही भूपेंद्र पर हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सका,
मगर 2018 में एक स्थानीय अदालत ने इस केस की सुनवाई करते हुए भूपेंद्र को नादिया के परिवार वालों को $10 मिलियन का हर्जाना देने का ऑर्डर दिया। कोर्ट जितने भी पैसे दिलवा दे, मगर सच तो ये है कि नादिया के कातिलों को ना पकड़ा जाना पुलिस की सबसे बड़ी नाकामी और नादिया के साथ हुई सबसे बड़ी नाइंसाफी है। चलिए बात करते हैं कि आखिर पुलिस वालों को वो अनजान कॉल किसने किया था। वेल, ऐसा कहा जाता है कि कॉल करने वाले व्यक्ति ने पुलिस से अपनी पहचान ना जाहिर करने की शर्त पर ही कार की लोकेशन बताई थी, मगर नादिया के परिवार वालों के मुताबिक जहां पर कार खड़ी हुई थी उसके ठीक पीछे एक बड़ा सा रेस्टोरेंट था। उसी रेस्टोरेंट में ऑर्डर का इंतजार करते हुए एक व्यक्ति न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। इत्तेफाक से उस न्यूज़पेपर में उसी निसान कार के साथ नादिया के गायब होने की खबर छपी हुई थी। इसी आधार पर उस व्यक्ति को लगा कि हो ना हो ये वही कार हो सकती है, क्योंकि उसने वो कार कई दिनों पहले से एक ही जगह पर खड़ी देखी थी। बस इसी के बाद उसने पुलिस को फोन किया। फोन के बाद पुलिस आती है, जांच होती है, मगर उस सवाल का जवाब कभी नहीं मिल पाता है जिसका जवाब नादिया के परिवार वालों समेत हर कोई जानना चाहता है। दोस्तों, आपके अनुसार नादिया का कातिल कौन हो सकता है तथा उसकी हत्या कैसे की गई होगी कि सबूत ही नहीं मिला, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें ताकि बाकी लोग भी इस खौफनाक कहानी के बारे में जान सकें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। मिलते हैं क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही एक और सच्ची कहानी के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।